हेलो एवरीवन यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अवर एनसीआरटी इंग्लिश बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज तानसेन आज हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने देखेंगे चैप्टर का तानसेन चैप्टर नंबर फाइव तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स तानसेन उनके उसके माँ बाप का अकेला बच्चा था नोटी बट टैलेंटेड वह शरारती था मगर वह प्रतिभावान था ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली वह नकल करता था इमिटेटेड मीन्स नकल करता था द कॉल्स ऑफ बर्ड्स पक्षियों की बोलियां एंड एनिमल्स और जानवरों की बोलियों की परफेक्टली पूरी तरह से नकल करता था वंस ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक टाइगर एक बार उसने ट्राई टू फ्राइटन डराने की कोशिश की अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स मुसाफिरों की एक टोली को बाई रोरिंग दहाड़कर लाइक टाइगर शेर की तरह दहाड़कर एक मुसाफिरों की टोली को उसने डराने की कोशिश की यू मे हैव हॉर्ड द नेम ऑफ तानसेन आपने तानसेन का नाम सुना ही होगा द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन अवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड वह महानतम ग्रेटेस्ट मीन महानतम म्यूजिशियन संगीतकार जिसको हमारे देश ने प्रोड्यूस्ड पैदा किया अ सिंगर कॉल्ड मकंदन मिश्रा एक गायक थे जिनका जिनको कहते थे मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर ग्वालियर के नजदीक बेहट में रहते थे तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड तानसेन उनका ओनली इकलौता बच्चा था इट इज सैड ये कहा जाता है दैट कि he was a naughty child वह एक शरारती बच्चा था often he ran away to play in the forest अक्सर वो जंगल में खेलने के लिए भाग जाया करता था and soon larentz टू इमिचेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स और उसने जल्दी ही पक्षियों और जानवरों की बोलियों की पूरी तरह से नकल करनी सीख ली थी अ फेमस अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसाइपल्स एक प्रसिद्ध गायक जिनका नाम स्वामी हरिदास था एक बार वो ट्रैवलिंग थ्रू सफर कर रहे थे द फॉरेस्ट जंगल जंगल में से अपने डिसाइपल्स शिष्यों के साथ अपने चेलों के साथ वो यात्रा कर रहे थे टर्ड द ग्रुपल डाउन टू रेस्ट इन अम टाय थक करके वो टोली सेटल डाउन नीचे बैठ गई टू रेस्ट आराम करने के लिए इन अ शेडी ग्रोव छायादार वृक्षों के झुरमुट में आराम करने के लिए बैठ गई तानसेन सौदेम देम तानसेन ने उनको देख लिया

हेड छिपा लिया एक पेड़ के पीछे एंड रोड लाइक अ टाइगर और वो शेर की तरह धहाड़ने लगा द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्केटर्ड इन फियर वो छोटी सी टोली ऑफ ट्रेवलर्स मुसाफिरों की टोली स्केटर्ड इधर उधर बिखर गई इन फियर डर के मारे वो छोटी सी मुसाफिरों की टोली इधर उधर भाग गई बट स्वामी हरिदास कॉल दुगेदर मगर स्वामी हरिदास ने उनको इकट्ठे होने के लिए बुलाया डोंट बी अफ्रेड डरो मत ई सैड उसने कहा स्वामी हरिदास ने कहा टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस शेर हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं अस लुक फॉर इसको भी देख लेते हैं हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री अचानक उसने उसके आदमियों में से किसी एक ने एक छोटे से बच्चे को लड़के को हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री एक पेड़ के पीछे छिपे हुए देखा देर आर नो टाइगर्स हियर यहाँ पर कोई शेर नहीं है मास्टर मास्टर मी मालिक स्वामी यहाँ पर कोई शेर नहीं है ही सेड उसने कहा ओनली दिस नोटी बॉय सिर्फ यह एक शरारती लड़का है तानसेन लंट म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर इलेवन ईयर्स तान ने स्वामी हरिदास से ग्यारह साल तक म्यूजिक सीखा संगीत सीखा ई स्टेड विद होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस वह एक पवित्र आदमी जिसको मोहम्मद गौस कहते थे उसके पास स्टेज ठहरा उसके पास रुका ही मैरिड हुसैनी उसने हुसैनी नाम की किसी औरत से शादी कर ली वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी जो कि रानी मृगनैनी के दरबार की औरतों में से कोई एक थी स्वामी हरिदास डिड नॉट स्वामी हरिदास ने उसको सजा नहीं दी तानसेन को कोई सजा नहीं दी ही वेंट टू तानसेन के पिता के पास गया एंड सैड और कहा योर सन इज वेरी नोटी आपका बेटा बहुत शरारती है ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड वो प्रतिभावान भी बहुत है आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर मैं सोचता हूं कि मैं उसको एक अच्छा गायक बना सकता हूँ तानसेन वॉज टेन इज ओल्ड तानसेन दस साल का था वेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास जब वह स्वामी हरिदास के साथ चला गया ही लिव्ड विद हिम फॉर इलेवन ईयर्स वह उसके साथ ग्यारह साल तक रहा लर्निंग म्यूजिक उससे स्वामी हरिदास से संगीत सीखता रहा एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर और वो एक महान गायक बिकेम बन गया एट अबाउट दिस टाइम लगभग इस समय तक इज पेरेंट्स डाइड तानसेन पेरेंट्स डाइड तानसेन के माता पिता मर गए थे मर चुके थे मुकंदन मिश्राज डाइंग विश मुकंदन मिश्रा की मरते समय की इच्छा थी वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर की तानसेन को ग्वालियर के मोहम्मद गौस के पास जाना चाहिए मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन मोहम्मद गौस एक पवित्र व्यक्ति था होली मीन्स पवित्र मकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हेम मुकंदन मिश्रा लंबे समय से उसका भक्त था उसके प्रति समर्पित था एंड और हमेशा उसके पास जाया करता था उसे मिलने जाता था वाइल्ड लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस वीन्स जबकि जब वो लिविंग रह रहा था ग्वालियर में मोहम्मद गौस के साथ तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी तानसेन को अक्सर रानी मृगनयनी के कोर्ट कोर्ट मींस दरबार में टेकन ले जाया जाता था वो वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ जो स्वयं भी एक महान संगीतकार थी देयर ही मेट एंड मैरिड ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट वहाँ पर वो मिला और उसने दरबार की औरतों में से किसी एक से मैरिड शादी कर ली हर नेम वॉज मरी हुसैनी उसका नाम हुसैनी था उसनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदासाज डिसाइपल उसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई तानसेन एंड हुसैनी हैड फाइव चिल्ड्रन तानसेन और हुसैनी के पांच बच्चे हुए ऑल वेरी म्यूजिकल वो बच्चे भी बहुत सभी बच्चे बहुत म्यूजिकल बहुत संगीतमय थे तान हैड बाई दिस टाइम बिकम वेरी फेमस तान इस समय तक बाई दिस टाइम इस समय तक बहुत प्रसिद्ध हो चुका था समटाइम्स ही सेंग बिफोर एम्पर अकबर कभी कभी वो एम्प्रर एम्प्रर मीन्स बादशाह बादशाह अकबर के सामने भी सेंग सिंग सेंग संग गाता था वॉज सो इम्प्रेस अकबर वॉज सो इंप्रेस अकबर इतना प्रभावित हो गया हिम तानसेन से दैट ही इंसिस्टेड उसने आग्रह किया तानसेन से तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट कि तानसेन उसके दरबार में आ जाए तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर कोर्ट तानसेन फेवरेट फेवरेट मींस पसंदीदा बन गया अकबर के दरबार में वंस ही वाज आस्कड़ एक बार उसको कहा गया टू सिंग राग दीपक राग दीपक गाने के लिए तानसेन आस्कड़ हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ तानसेन ने अपनी बेटी और उसकी मित्र को राग मेघ गाने के लिए कहा ऑफन आफ्टर राग दीपक टू काउंट्रैक्ट दीपक से काउंट्रैक्ट निष्क्रिय करने के लिए द इफेक्ट असर को ऑफ द लेटर राग दीपक के असर को निष्क्रिय राग मेघ गाने के लिए कहा तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556 हंड्रेड अकबर के दरबार में 1556 में गया एंड सोन बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पर और जल्दी ही वो बादशाह का बहुत ज्यादा पसंदीदा बन गया अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम अकबर तानसेन को बुलाता था किसी भी समय गाने के लिए ड्यूरिंग द डे और नाइट दिन के समय या रात के समय उसको गाने के लिए बुलाया करता था क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन हाउस कई बार तो वो अकबर के तानसेन के घर जाया करता था टू हियर हिम प्रैक्टाइज उसका रियाज रियाज अभ्यास, उसको अभ्यास करते हुए सुनने के लिए ही प्रेजेंट्स अकबर ने उसको मैनी प्रेजेंट्स बहुत सारे तोहफे भी दिए सम ऑफ द कोटियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन कुछ कोटियर्स दरबारी तानसेन से ईर्षा करने लगे उससे जलने लगे वी शेल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रोइंड हम कभी भी चैन नहीं ले सकेंगे जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता है दे डिक्लेयर उन दरबारियों ने ये घोषणा की वन ऑफ द कोट शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया एक दरबारी जिसको जिसका नाम शौकत मियान था उसके पास एक बहुत ही अच्छा सा उपाय था अस मेक हिम सिंग राग दीपक हम उसे राग दीपक गवाते हैं ही सेड शौकत मियान सेड शौकत मियान ने कहा हाउ दैट है उससे हमें कैसे मदद मिलेगी आस्क एक दूसरे आदमी ने पूछा इफ राग दीपक इज प्रॉपरली अगर राग दीपक को सही तरह से गाया जाता है इट मेक्स द एयर सो हॉट तो इससे हवा इतनी हॉट गर्म हो जाएगी देर द सिंगर इज बर्न टू ऐशीज कि वो गायक बर्न टू ऐसी जलकर खाक हो जाएगा राख हो जाएगा

शौकत मियान अकबर के पास गया एंड सैड और कहा वी डोंट थिंक इज़ अ ग्रेट सिंगर हम नहीं मानते कि तानसेन एक महान गायक है लेट हिम चलो हम उसकी परीक्षा लेते हैं टेल हिम टू सिंग राग दीपक उसको राग दीपक गाने के लिए कहो ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रपरली केवल महानतम गायक ही इसको प्रॉपरली सही तरीके से गा सकते हैं ऑफकोर्स ही कैन सिंग इट बेशक तानसेन इस राग को गा सकता है तान सेन कैन सिंग एनीथिंग तानसेन कुछ भी गा सकता है एनीथिंग मीन कोई भी गीत गा सकता है अकबर सैड अकबर ने कहा तानसेन वॉज अफ्रीड तानसेन अफ्रीड डर गया बट कु द किंग मगर वो राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था वे माई लॉर्ड ठीक है ठीक है स्वामी ही सेड उसने कहा बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर myself, सेल्फ मगर मुझे प्रिपेयर तैयारी करने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए समय दीजिए वेंट घर चला गयाउन कास्ट एंड अनहैपी वो इससे ज्यादा डाउन कास्ट लज्जीत और दुखी का भी नहीं हुआ था आई कैन सिंग द राग को गा सकता हूं ही टोल्ड हिज वाइफ उसने अपनी पत्नी से कहा बीट इट गिवज ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लेंप अलाइट मगर वो गर्मी जो इसे निकलेगी इसे पैदा होगी उसे ना केवल नॉट ओनली सेट द लेंप अलाइट ना केवल दीपक जल उठेंगे इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशीज इसे मैं भी जल कर राख हो जाऊंगा डेन ही हैड एन आईडिया तब उसको एक उपाय सुझा इफ सम अगर कोई राग मेघ को सेम टाइम उसी समय गाता है एंड सिंग्स इट पॉपरली और इसको अच्छी तरह से गाता है इट विल ब्रिंग रेन तो उसे वर्षा आ जाएगी पर हैप्स योर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती को डू इट शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी मित्र रूपवती इसको कर सकती है इस राग को गा सकती है ही ने कहा और टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ उसने टू डॉ टू गर्ल्स उन दो लड़कियों को राग मेघ गाने के लिए कहा राग मेघ गाना बताया दे प्रैक्टाइज नाइट एंड डे फॉर टू वीक्स उनने दो सप्ताहों तक प्रैक्टाइज रियाज किया डे एंड नाइट दिन रात रियाज किया तानसेन टोल तान तानसेन तान ने उनको बताया यू मस्ट वीच स्टिल दैम्प स्टार्ट बर्निंग तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा ट्यू जब तक कि दीपक जलना शुरू नहीं हो जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग तब तुम गाना शुरू कर देना बोथ रागास व संग अकॉर्डिंग टू प्लान दोनों रागों को अकॉर्डिंग टू के अनुसार प्लान योजना के अनुसार गाया गया अकबर पनिश्ड दान एनिमीज अकबर ने तानसेन के शत्रुओं को सजा दी द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक कहानी ये कहती है द लीजेंड गोज कहानी कहती है कि ऑन द अपॉइंटेड डे उस निर्धारित दिन द होल टाउन असेंबल्ड सारा शहर इकट्ठा हुआ राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए सारा शहर इकट्ठा हुआ वेन ही बिगेन टू सिंह जब तानसेन ने गाना शुरू किया द एयर बिगेम वाम हवा वाम गर्म हो गई द ऑडियंस वर बेद इन परस्पिरेशन जल्द ही श्रोताओं में बैठे हुए लोग पसीने से तर हो गए द लीवस ऑन द ट्रीज ड्राइडफ पेड़ो के पत्ते ड्राइडफ सूख गए एंड फेल टू द ग्राउंड और गिरकर जमीन पर आ गए एज द म्यूजिक कंटिन्यूड जब तक वो संगीत कंटिन्यू चलता रहा बर्ड्स फार दैट बिकॉज ऑफ द हीट पक्षी गर्मी के कारण बिकॉज ऑफ के कारण एंड द वॉटर इन द रिवर्स और नदियों का पानी बिगेन बिगेन टू बॉय नदियों का पानी उबलने लगा पीपल क्राइड आउट इन टेरर लोग डर के मारे चिल्लाने लगे एज फ्लेम शॉर्ट ऑफ आउट ऑफ नो वे क्योंकि आग की लपटे हर जगह से आने लगी फूटने लगी एंड लाइटेड द लेम्प्स और उससे दीपक जल उठे। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग रागमेघ और एकदम से सरस्वती और रूपवती ने राग रागमेघ गाना शुरू कर दिया द स्काई क्लाउडेड ओवर आसमान में बादल छा गए और वर्षा होने लगी तानसेन तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस कहानी कहती है कि तानसेन उसके बाद वेरी इल बहुत बीमार पड़ गया एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग और तानसेन को बड़ा दुख हुआ कि उसके कारण तानसेन को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज उसने तानसेन के शत्रुओं को सजा दी वैन तानसेन गॉटवेल well, जब तानसेन ठीक हो गया द एंटायर सिटी रॉय रिजॉयस्ड सारा शहर सारे शहर ने बहुत खुशियाँ मनाई तानसेन रिमेंड अकबर कोर्ट सिंगर तानसेन अकबर के दरबार का गायक बना रहा चिल 1585, 1585 तक वैन ही डाइड जब उसकी मृत्यु हो गई ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज उसने तानसेन ने सेवरल कई एक नए रागों की रचना की तान सेन्ज टॉम्ब इज इन ग्वालियर तानसेन की कब्र ग्वालियर में है इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस ये संगीतकारों के लिए एक तीर्थ यात्रा की जगह है दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें शेयर करें और अपने कमेंट्स लिखें और हो सके तो मेरा YouTube चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें हैव अ नाइस डे थैंक यू